हे गाइस गुड मॉर्निंग। आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा कि आरू का बर्थडे था, तो हम रेडी हो गए थे नहा धो के सुबह मॉर्निंग में आपके साथ। तो वेलकम बैक को, तो ये मेरी जीजू हैं जो एक्सपायर हो गए थे कुछ दिन पहले। तो अगर आप तो इसलिए थोड़ा कम डेकोरेट वगैरह या कुछ भी प्रोग्राम वगैरह ज़्यादा नहीं होगा। तो हम रेडी वेडी हो गए थे सारे रेडी होने। सोचा चलो आपको थोड़ा सा घर दिखा देते हैं। दीदी का ये वॉश बेसिन है बाहर वाला जो आप देख रहे हो। और ये अंदर बच्चे मस्ती कर रहे थे, लैपटॉप चला रहे थे, खूब सारी एंजॉयमेंट ले रहे थे। फिर हम चल दिए आरू को लेने। फिर वो बोला था मेरे लिए चावल पैक कराना, तो हमने चावल पैक कराई। ये भरतपुर में एक पंचायती के नाम से रेस्टोरेंट है, कैफे वगैरह आप बोल सकते हैं, पर वो तो यहाँ की सबसे ज़्यादा चाय पीने से। फिर रेस्टोरेंट में हम जाने के बाद पैक करने में बड़ा टाइम लग रहा था, यहाँ पर बस वेटिंग होती रहती है। मेन्यू कैसे ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था कि होगा। तो यहाँ पर बारिश बढ़ रही थी, इसमें से हमने चावल पैक कराई चल दिए। तो फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक कराई थी। यहाँ मतलब व्यू अच्छा था, बहुत ही सुंदर व्यू था। फिर हम आरू को स्कूल से लेके आ गए फोटो में। ये बोला था मासी आइसक्रीम खा दो, फिर आइसक्रीम मैंने दुबक के खिलाई क्योंकि मम्मी को डांटती है। फिर हम घर आ गए। फिर हम मॉल आ गए थे शाम को इसको गिफ्ट लेने के लिए। आरू के लिए मैं गिफ्ट नहीं लेके गई थी यहाँ से। तो फिर हम मॉल आ गए। मॉल में ये कह रहा था मेरे को गन चाहिए, पहले तो बोला था हाउस चाहिए, पर हाउस यहाँ पे मिला नहीं। तो फिर हमने गन का ट्राई किया, फिर भी यहाँ की इसकी पसंद भी गन नहीं थी। कौन सी एयर गन वगैरह बता रहा था, पर वो यहाँ पर थी नहीं। तो हम परेशान हुए, फिर हम दूसरे मॉल में गए। वहाँ पर इसको एक ये पसंद आई लेजर लाइट वाली, जो इसको बहुत ही पसंद आई, बोल के मेरे को यही चाहिए। तो मैंने कहा चल ठीक है ले ले ये। ये लेने के बाद भैया ने इसको बताया कैसे चलती है क्या नहीं, उसको पूछना मुझे ज़रूरी है कि पैसे दे रहे हैं और चले भी नहीं कोई चीज़। तो अच्छे से ट्राई की। फिर दीदी की लड़की है रियल, वो बोली थी मेरे को है ना मेरे को भी चाहिए कुछ। तो उसने वो लिया था एक्सरसाइज करने वाली रस्सी आती है ना वो, इसका पेट इतना नहीं बढ़ता कि एक ही चीज़ ले लूँ। बच्चों को तो आदत होती है गाड़ी वगैरह गन वगैरह सब की, पर मैंने बोला कि एक ही चीज़ ले ले इतने पैसे नहीं है। तो बोल रहा था मेरी मम्मी ने दिए हैं आपको, और गिफ्ट दिया है मैंने, और बोला था मम्मी ने दिए हैं पैसे मेरे को सारे। बहुत ही मज़ा आया। फिर हम वहाँ से निकले, गिफ्ट पैक करा के फिर हम आ गए केक लेने बर्थडे के लिए। केक हमको पसंद ना, आपको बताना कौन कौन सा पसंद है। हमने तो पसंद कर लिया था, मतलब दीदी सेलेक्ट कर गई थी, बट बस हमको लेना था वो डेकोरेशन का सामान वगैरह लेना था। फिर शाम हो गई थी, 7 बज गए थे। फिर रियल बोली मासी डेकोरेट कर लेते हैं, मैं बैठी बैठ डेकोरेट करने लगी इनके साथ, मस्ती मजाक सब कुछ इंजॉयमेंट फुल। पर थोड़ा सैडनेस भी थी दीदी को लेकर, क्योंकि दीदी जी की वजह से थोड़ा सैड थी। तो इस वजह से फिर यहाँ पे मस्ती मजाक होने लग गई। फिर केक कट करने का बारी आ गई, नाइट हो गई थी तो केक कट करने लग गए। फिर ये अपने दोस्तों को सारे गिफ्ट दिखाने लग गया। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं इसलिए ब्लॉग जल्दी एंड करूँगी क्योंकि शेयर हो गई थी इस वजह से। तो मिलती हूँ अगले।